पनीर टिक्का, नाम सुनते ही दिल करता है कि इसका खाया जाए। फ्रेंड्स, आज मैंने घर पे पनीर बनाया था, सोचा कि आपके साथ मैं एक इसकी रेसिपी भी शेयर करूं। बट उससे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया एंड मॉम व्लॉग्स पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये डिलीशियस रेसिपी आपको बनाकर दिखाते हैं। इसके लिए मैंने पनीर को कुछ इस साइज के पीसेस में काट लिया है। इस तरह से प्याज कट कर लिया है, ये है शिमला मिर्ची और ये है टमाटर। करती हूँ अब प्रोसेस को स्टार्ट। और यहाँ मैंने एक बाउल रख लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटी कटोरी दही। मैंने हंकड़ नहीं ली बल्कि नॉर्मल कर्ड ही ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच नमक और ये गई रेड चिली, ये काली मिर्ची, लो जी डालते हैं थोड़ा सा पिंक सॉल्ट और ये गया चाट मसाला। अब बारी है हल्दी की, जिससे कलर आएगा बहुत ही अच्छा। ये मैंने डाल दिया है सूखा पुदीना, आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हो इसमें। मैंने एक छोटी कटोरी में बेसन लेकर उसको सत्तू में कन्वर्ट कर दिया है बेसन को भूनकर। 3 से 4 स्पून मैंने इसमें डाल दिया है गरम मस्टर्ड ऑयल। अब करते हैं सारी आइटम्स को अच्छे से मिक्स। याद रहे हमें बेसन ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो मैरिनेशन वाला जो मसाला हमने रेडी किया है वो अच्छे से स्टिक नहीं होगा पनीर के साथ। अब मैं मिक्सचर को थोड़ा सा थिन कर रही हूँ इसमें लेमन जूस डालकर। 1 लेमन तो इसमें कम से कम आप डालना ही, इससे टेस्ट काफी एनहांस होगा इसका। ये लीजिए हमारा मैरिनेशन वाला मसाला रेडी है कम्प्लीटली। आप देख सकते हो कि मिक्सचर है वो पतला हो गया है। और अब इसमें डालते हैं हम सारी आइटम्स जो हमने कट कर रखी है। लीजिए रख रही हूँ इसमें पनीर। पनीर हमारा बहुत सॉफ्ट बना है, सो मैं इसको बहुत ही ध्यान से रखूंगी और कोट करूंगी मसाले के साथ, वरना ये ब्रेक हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने सारा कट किया हुआ मटेरियल डाल दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं इसको पहले स्पून और फिर हैंड्स के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी, ताकि पनीर और बाकी वेजिटेबल्स अच्छे से मैरिनेशन मसाले के साथ मिक्स हो जाए। हैंड्स का यूज करते हुए अब मैं इसको आराम से ऊपर नीचे शिफ्ट करती जाऊंगी, ताकि सारे फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। देख सकते हो कि ये अच्छे से मिक्स होता जा रहा है और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। और इसको अब हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक ढक के रखेंगे। एक ही वर्ड इसको देख के माइंड में आ रहा है और वो है परफेक्ट। बाउल को करते हैं साइड और ये मैंने रख ली है 1 प्लेट और ये मैंने ली है 4 स्टिक्स जो एक साइड से शार्प है। इसमें अब मैं मैरिनेटेड वेजेस और पनीर को लगाती जाऊंगी कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, ये थोड़ा पेशेंस का काम है, क्योंकि ध्यान ये रखना है कि पनीर कहीं ब्रेक ना हो। सो हैव लिटिल बिट पेशेंस। वेरी नाइस। तो देखिए ये हमारी 1 स्टिक रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैं टोटल 3 स्टिक्स रेडी करूंगी। मैंने गैस पर पैन रख लिया है, इसको करते हैं हम अच्छे से ग्रीस देसी घी के साथ। और इस पैन की हमने आपको सेपरेट वीडियो दिखाई थी, आपको याद होगा। हम बनाएंगे शुद्ध देसी घी पनीर टिक्का। रखते हैं फिर इस पर रेडी की हुई स्टिक्स और बनाकर दिखाते हैं आपको बिना तंदूर के तंदूरी टिक्का। 2 मिनट के गैप में हम इसको घुमाते रहेंगे, ताकि ये सारी साइड से इक्वली कुक हो जाए। लग रहा है ना देखने में यमी ये? लीजिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन होता जा रहा है। जैसे जैसे हम इसको घुमा रहे हैं, इट्स रियली लुकिंग अमेजिंग।
ये रेडी है बिल्कुल, सो लेट्स डू इट्स प्लेटिंग। ये बिल्कुल सिंपल है ना बनाना। अब मैं जल्दी से इस छोटू सी कप में डालती हूँ सॉस और खिलाती हूँ अपनी फैमिली को पनीर टिक्का। तो ये लीजिए फर्स्ट टिक, ये सेकंड, देन इट्स थर्ड। आई होप कि आपको ये रेसिपी बिल्कुल आसान लगी होगी। आप भी बनाना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।